एक खास संदेश मैं इस साल के आखिरी दिनों के खास संदेश जवान भाइयों जवान भैणों देना चाहना है जिहड़े मां नूं मां बाप नूं बाप नहीं समझदे जिन्हां दे अंदर अण आग्याकारी की बदरू काम करती है। मैं इत्थे जिन्ने मर्जी गीत गाई जावां जिन्नी मर्जी भगती करी जावां सब बेकार आ जे मेरे अंदर आग्याकारी नहीं। अफसीयत खत 6वें अध्याय च लिखा है अपने मां बाप की इज्जत कर तेरा भला होवेगा धरती ते तेरी उम्र लंबी होवेगी। अज कई ने बाहर होर मावां बनाईआं ने बाहर होर प्यो बनाए ने वह मम्मी पापा का सबनों पता है आपके मम्मी पापा का चेता भुला है। पहला अपने मां बाप की इज्जत कर। सारा दिन हसदा खेडता बाहरों आता है जो घर वड़ता नाल दी नाल ही मूँह बना लेंदा है मां नूं लगता पता नहीं की दुख है मेरे बच्चे नूं आ मेरे हाथ जुड़े कितने मापियां नूं भी हस के विखाया जाए। एक तेरी मुस्कुराहट है जिन्हों तेरे मापे वेखण लई तरस गए आ फल दे रहे उन्होंने प्यार का। कई एडे बेशर्म हो जाते पुत्र धीआं जदों वड्डे होके गल करनी आ जाती आ मां नूं कहिंदे तू मेरी की लगती आ प्यो नूं कहिंदे तू मेरा की लगता है। ये तेरी वह लगती जिन्हें कदी तेनों ठंड च ठंड नहीं लगन दिती जिन्हें अपनी रोटियां दे तेनों पालिया है। भगती जरूर आ पर आग्याकारी सब तो वड्डी गल जे जिन्ना चर कंधा नहीं बनती उन्ना चर लैंटर नहीं जे पैंदा। कलाम च लिखा यसु मसीह सारे बोलो सारे बोलो बस जी एक मिनट रुक जाओ प्लीज प्लीज एक मिनट बोलो यसु मसीह कलाम च लिखा मौत तक अपने बाप का वफादार रहा है। कदों तक जोर ना बोलो किदा वफादार रहा है। तो पौलस कहिंदा प्यारे पुत्रा वांगू उहदी रीस करो बोलो हैलेलुया इन्हां मापिआं दी भी कदर करो। इबरानियां 13:7 विच लिखा अपने आगू की इज्जत कर जिन्हें तेनों यहोवा का कलाम दसिया है। कई बार बंदा बचिया कितों हुंदा जे साइयां कितें ते वधाइयां कलाम च लिखा सब अण आग्याकारियां नूं बन के नरक की अग च सुट्टेगा खुदा बोले हैलेलुया। इस करके बराए मेहरबानी मापिआं दी भी इज्जत करो अपने आगू की भी इज्जत करो। इन्हां सारिया गल्लां च यीशु नूं जलाल मिलेगा हैलेलुया। कलाम च लिखा भेंट चढ़ाउण नालों चंगा है हुक्म मनना बोले हैलेलुया। इन्हां इन्हां गल्लां नूं जरूर याद रखिए ये जरूरी आ कि मैं जवान पुत्तां धीआं नूं ये जवान भरा हुंदा होया संदेश देवां बोले हैलेलुया।